हेलो दोस्तों, मामा टेलर पूजा फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों चैनल को लाइक करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो हम नई वीडियो डालें वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर ज़रूर करें। मामा टेलर पूजा फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको नाप लेके दिखाने जा रहा हूँ कि नाप सूट का कैसे लेना है। आज सिर्फ मैं सूट का ही नाप लूँगा और सलवार का, और ब्लाउज और ये लहंगा चोली ये सब किसी दूसरी वीडियो में बनाऊँगा। तो आइए हम नाप लेके दिखाते हैं। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जो हम नई वीडियो डालें वो आप तक सबसे पहले अपडेट पहुँचती रहे। तो आइए हम नाप लेके बताते हैं कैसे नाप लेना होता है, जो कि फिटिंग एकदम परफेक्ट आनी चाहिए, सूट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो नाप लेके मैं दिखा रहा हूँ। हमें पहले सबसे पहले सूट का नाप, यहाँ जो कंधी का ये मुड्डा होता है ये जहाँ से भी सेंटर है, तो हमें यहाँ से इंची टेप को ऐसे पकड़ना है और हमें बिल्कुल सीधा इंची टेप और कपड़े को हल्का सा खींच के, ताकि जो सूट झोल पड़ा होता है कमर में थोड़ा सा रिंकल पड़े होते हैं तो उससे फिनिश हो जाए, उस हिसाब से हमें यहाँ लंबाई देखनी होती है सूट की कि लंबाई कितनी आ रही है। तो हम लंबाई जितनी आती सूट की उतनी लिखते हैं, अगर छोटा ज़्यादा कम करवाना है तो वो कस्टमर से पूछना होता है कि लंबाई कितनी रखनी है। अगर वो सूट जो पहने हुए हैं अगर उसी के जितनी लंबाई रखनी है तो हम फिर वही नाप लिखेंगे। तो 34 आ रहा है लंबाई, तो 34 लंबाई लिखेंगे हम, 34 लेंथ है तो हमने 34 लिख दिया है। अब हमें चेस्ट का नाप लेना है तो हम ये थोड़ा सा हाथ ऐसे करेंगे और ये बिल्कुल चेस्ट का नाप इस हिसाब से लेंगे। चेस्ट का नाप हमें लेना है तो हमें थोड़ा सा हाथ ऐसे करके इंची टेप को हमें बराबर करके चेस्ट के ऊपर नाप लेना होता है। तो ये इस हिसाब से हम हल्का टाइट करेंगे ताकि इसमें 4 इंच लूजिंग देते हैं तो लूजिंग से वो हमारा कवर हो जाता है चेस्ट का। तो ये 31.5 आ रहा है, 31.5 इंच चेस्ट, तो ये हम 31.5 इंच, ये 31.5 चेस्ट लिख दिया हमने। अब हम कमर की नाप लिखेंगे। अब हमें कमर की नाप लेनी है तो ना ज़्यादा ऊपर हो और ना ज़्यादा नीचे, क्योंकि कमर ही हमारी बिल्कुल यहाँ पर आती है। तब हम कमर की नाप लेके दिखाएंगे, ये कमर की नाप है। तो हम ऐसे कमर में भी थोड़ा सा हल्का सा खींचेंगे इंची टेप को ताकि सूट की वजह से लूज ना होने पाए। तो 25 कमर आ रही है, मतलब 25 इंच, तो हम 25 इंची कमर लिखेंगे। ये हमने 25 इंची कमर लिख दी। अब हमें हिप की नाप लेनी है, तो हिप हम क्या करेंगे, पैर दोनों पहले सटाएंगे उसके बाद में हिप का नाप लेंगे, तो इससे जो है थोड़ा बहुत लूज हो जाता है तो वो लूज नहीं होने पाएगा। और हमें हिप का नाप यहाँ पे लेना होता है, तो ये 33 हिप है तो हम 33 हिप लिखेंगे। यहाँ पे भी हल्का सा टाइट करके नाप लेंगे, ये हमने हिप 33 लिख दी। अब हमें क्या करना है, हिप का ये जो सूट होता है उसका हम आधा नाप लेंगे, तो उससे क्या है सूट जो पहने हुए हैं वो अगर फिटिंग सही है तो उसके हिसाब से हम नाप लेंगे, तो फिर उसमें लूज टाइट होने का कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, एकदम फिट आएगा। तो हमें क्या करना है, हम ऐसे करके ये आधा नाप ले लेंगे, तो 17.5 इंच आ रहा है हिप का आधा नाप। हम क्या करेंगे, हिप के सामने 17.5 इंच, ये हिप जो आधा नाप तैयार है ये हमने लिख दिया है। बाजू का हमें क्या करना है, ये यहाँ पे जो बाजू का ये हड्डी होती है वहाँ से नाप लेना होता है। तो इंची टेप को हम यहाँ से पकड़ेंगे, इससे क्या है ना बाजू छोटी होगी ना बड़ी होगी। अब उस हिसाब से हम देखेंगे कि बाजू कितनी लंबी है, ये आ रही है 16.5 इंच बाजू, ये हमने 16.5 इंच बाजू लिख दी। अब हमें बाजू की मोरी का नाप लेना है। अब हमें बाजू का नाप लेना है, अभी हमें क्या करना है, ये बाजू देखनी है कितनी लूज़ है उसी हिसाब से हम नाप लेंगे।
तो ये 9.5 इंच बाजू की मोरी आ रही है, तो हम 9.5 इंच बाजू लिखेंगे। ये हमने 9.5 इंच बाजू की मोरी लिख दी। अब हमें क्या करना है, चाक का नाप लेना है। तो हमें क्या करना है, ये चाक अगर ऊपर नीचे करवाने के लिए बोल रहे हैं कि नीचे करना है या ऊपर, अगर ये फिटिंग ठीक है चाक की तो हम यहीं से नापेंगे चाक को। ये चाक आ रहे हैं 14 इंच, हम 14 इंच चाक लिखेंगे। 14 इंच चाक लिख दिया। अब हमें घेरे का नाप लेना है। अब हमें घेरे का नाप लेना है, तो हम क्या करेंगे, घेरे का नाप ये ऐसे घेरे का नाप लेंगे। ये 17.5 इंच घेरा आ रहा है, तो हम 17.5 इंच लिखेंगे। हम 17.5 इंच घेरा लिख दिया। अब हमें क्या करना है, तीरे का नाप लेना है। ये हमें तीरे का नाप कहाँ से लेना है, ये जहाँ पे हड्डी होती है वहीं से नाप लेना होता है। तो हम क्या करेंगे, इंची टेप को ऐसे ऊपर, ये यहाँ से नहीं नाप लेंगे हम, ऐसे ऊपर करके इंची टेप को ऐसे ले जाएंगे और इस साइड की जो हड्डी है वहाँ तक नाप लेंगे। तो तीरा आ रहा है 15 इंच तीरा लिखेंगे। ये हमने 15 इंच तीरा लिख दिया। अब हमें क्या करना है, बैक गले का नाप लेना है। तो हम बैक गले का नाप, हम यहाँ से ऐसे तिरछा नाप लेंगे, सीधा नाप नहीं लेते। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ से ऐसे नाप लेंगे। तो ये 8 इंच, 8.25 इंच गला आ रहा है, तो 8.25 हम गला लिखेंगे बैक का। 8.25 इंच ही हमने बैक का गला लिख दिया है। अब हम फ्रंट का गला नापेंगे। ये तो आ गया ना इसका फिर। अब हमें फ्रंट का गला नापना है। ये 7 इंच गला आ रहा है फ्रंट का, तो 7 इंच हम फ्रंट का गला लिखेंगे। ये हमने फ्रंट का 7 इंच गला लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अपर चेस्ट का नाप लेना है। अपर चेस्ट का हमें नाप यहाँ से लेना होता है। सबसे बड़ा रीज़न होता है सूट में ये झोल मारने का, और यहाँ से ये जो लूज हो जाता है सूट, तो इसका जो अपर का चेस्ट नाप नहीं लेते हैं टेलर, तो उसमें ये दिक्कत आती है। अगर हम ये नाप लेंगे अपर चेस्ट का तो लूज़ टाइट नहीं होगा। तो हम ये अपर चेस्ट का नाप लेके दिखाते हैं। ये 30.5 इंच नाप आ रहा है अपर चेस्ट का। ये हमने जो चेस्ट लिखी है 31.5 इंच, उसी के सामने हमें ये अपर चेस्ट लिखनी होती है। ये 30.5 इंच ही हमने अपर चेस्ट लिख दी है। अब हमें चेस्ट कमर में हमें क्या करना है, 4-4 इंच प्लस करना है। ये चेस्ट 31.5 इंच है, तो ये 35.5 चेस्ट आएगी तैयार। कम 25 है तो 29 इंच कमर तैयार आएगी। और हिप का तो ये आधा नाप है, क्योंकि इसमें चाक ऊँचे हैं, इस वजह से ये जितना ऊपर चाक खुलेंगे तो उसी हिसाब से ये हिप कम आएगी। नहीं, इसमें हिप में 4 इंची प्लस करते हैं, तो ये आपकी 37 इंची हिप तैयार आती। 18.5 ये चाक ऊपर होने की वजह से ये 17.5 इंची हिप तैयार आएगी। अब हमें सलवार का नाप लेना है। ये सूट का नाप कंप्लीट हो चुका है, हम सलवार का नाप लेके दिखाते हैं आपको। अब हमें सलवार का नाप लेने के लिए क्या करना होता है, कि हम कस्टमर को ही बोलते हैं कि सलवार जहाँ बांधते हो वहीं पे पकड़ो। तो सलवार जहाँ पे बांधना है वहीं पे पकड़ना। अब ये हम नीचे ज़मीन में टच करेंगे ऐसे करके, तो सलवार का एकदम फिक्स नाप होगा, ना छोटी होगी ना बड़ी होगी। तो ये 40 नाप आ रहा है सलवार का ज़मीन में टच करने से। हम 40 इंच सलवार लिखेंगे। ये हमने 40 इंच सलवार की लेंथ लिख दी। अब हमें पोंछे का नाप लेना है। हमें पोंछे का नाप कैसे लेना है, अब हम क्या करेंगे, जो सलवार अगर पहने हैं तो सलवार के जोड़ को पकड़ के हम ये ऐसे नाप लेंगे। इंची टेप को ऐसे घुमा लेंगे और ये ऐसे देखेंगे कितनी मोरी है। अगर इसके जितनी रखवानी है तो सेम हम लिख देंगे, अगर कम ज़्यादा करवाना है तो जितना बोले उस हिसाब से हम पोंछे की मोरी लिखेंगे। तो 12 इंच मोरी आ रही है, तो हम 12 इंच मोरी लिखेंगे पोंछे की। तो हमने 12 इंच मोरी लिख दी। दोस्तों ये 12 इंच भी लिख सकते हैं, और इसे हम आधा करके 6 इंच भी लिख सकते हैं। अगर चौड़े मोरी होती है
ज़्यादा करके वैसे आधी मोरी लिखी जाती है, तो हम अगर इसको पूरी लिखना चाहें तो पूरी लिख सकते हैं। 12 इंच में कोई कोई ऐसा होता है कि 12 के 24 ना बना दे, तो इसलिए हम इसकी आधी मोरी भी लिख सकते हैं 6 इंच। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। तो दोस्तों नाप पूरा कंप्लीट हो चुका है, सूट का ही सिर्फ नाप लिया हमने आज, और किसी और वीडियो में और नाप बताएंगे। तो दोस्तों ये नाप लेने का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हम जो नई वीडियो डालें वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।